अब हम चेक करने आ रहे हैं इसमें डिस्प्ले पीसीबी। जब कभी भी प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरा डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मेरा इंडोर पीसीबी खराब है या डिस्प्ले पीसीबी खराब है। तो उस समय मुझे कंफर्म करना है कि मेरा इंडोर पीसीबी का बदलू या डिस्प्ले पीसीबी बदलू। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे? तो जब भी मैं एसी को ऑन करूंगा तो इसमें सप्लाई यानी आ गई है, तो उधर से कुछ ना कुछ आउटपुट आती है। तो ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है? 5 वोल्ट डीसी। कितना? 5 वोल्ट डीसी। अब मैं क्या करूंगा, इसके कनेक्टर पे जो ये मुझे ब्लैक वायर मिल रहा है, मतलब ये मेरा ग्राउंड है, दूसरा मेरा 5 वोल्ट डीसी है। मैं इस पे 5 वोल्ट डीसी चेक करूंगा। ब्लैक वाइट को तो आप देख सकते हो, ये देखो आ रहा है, इसमें मीटर में देखो आ रहा है 4 वोल्ट। ये मीटर में, ये मीटर का एरर भी हो सकता है, वैसे 5 वोल्ट आता है, ठीक है। अगर एक्यूरेट मीटर होगा तो पूरे 5 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा डिस्प्ले पीसीबी सही है, इंडोर पीसीबी खराब है, क्योंकि वो आउटपुट नहीं दे रहा है। जो मेरा मेन पीसीबी है वो आउटपुट नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो मुझे अगर ये 5 वोल्ट मिल जाते हैं, मतलब मेरा डिस्प्ले पीसीबी खराब है। तो दोनों चीज कंफर्म हो जाएगी यहीं से, वोल्टेज मिल रहा है तो इंडोर पीसीबी सही है, डिस्प्ले पीसीबी खराब है। वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इंडोर पीसीबी खराब है, डिस्प्ले पीसीबी सही। तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, डन।